धोबी है, दुसाद है, चमार है, डोम है, ओलखोर है, हम लोग तो पिछड़े जो एक कट्ठा जमीन नहीं है। कोटा कानून में था कि बड़ा बड़ा अपराधी को सजा होगा, लेकिन कोटा कानून में जब तक हम लोग फंसते रहे, दलित पिछड़े ओबीसी के लोग जब तक फंसते रहे, तब तक कोटा कानून अच्छा था। और जब कोटा कानून में बड़का पोटा फंस गया राजा भैया, तो ये जो है केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार ने पोटा बनाया। और कांग्रेस जो केंद्र में थी उस समय सरकार, उसने पोटा को खत्म कर दिया। काहे वो पोटा राजा भैया को निकालने के चलते, धन उसका है, बल उसका है कहाँ गरीब भाई। ईवीएम हटा देगा तो बसपा की सरकार बन जाएगी। जब से ईवीएम आया है, जब से ईवीएम केंद्र आया है इस देश में, तब से बसपा का जो है रेस कमजोर हो रहा है। जब ईवीएम नहीं था तो इसका रेस बढ़ते जा रहा था हर जगह। ईवीएम जरा सा हटा दे केंद्र सरकार, तब आओ देख लीजिए, ईवीएम से भी हमको थोड़ा सा धोखा हो रहा है। सबको निशा फट गया है, आरोप लग सबके निशा टूट गया, आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश में। इस देश में बाबा साहब के संविधान को कोई अगर लागू कर सकता है तो केवल बीएसपी कर सकता है। बीएसपी एक दिवसीय धरना कर रही है बिहार में, और बिहार में बीएसपी का अस्तित्व तो पहले से ही खत्म था। एक विधायक थे वो भी जनता दल यू में चले गए, और बीएसपी यूपी से भी खत्म हो चुकी है। यूपी में भी मात्र एक विधायक है जो कि चार चार बार के मुख्यमंत्री हुए हैं, बहन कुमारी मायावती, उनकी पार्टी का ये हाल है। पर बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चचा, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हृदय नंदन चंद्रवंशी। कहाँ से? जहानाबाद जिला। जिला फायदा है बीएसपी का ये सब करने से? बीएसपी इस देश की जरूरत है। इस देश में बाबा साहब के संविधान को कोई अगर लागू कर सकता है तो केवल बीएसपी कर सकता है। दूसरा कोई दल का दम नहीं है संविधान लागू करने का, तो वो नाम नहीं लेता है कभी मंच से। पूरे अगर भारत में बाबा साहब के पवित्र संविधान अगर लागू कर सकता है कोई नेता, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी लागू कर सकती हैं। और भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रदेश में उसका बहन जी ने सबूत, यानी सबसे कहा जाए सुशासन काम किए, बताइए का वो काम पर जुड़ाइए। हाँ, बहन जी जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो कि लॉ एंड ऑर्डर में जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रखी। तमाम जो माफियाओं को है, माफिया को जो है वहाँ जब बहन जी की सरकार आता है तो उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ छोड़ करके माफिया भाग जाता है सभी उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, राजा भैया जैसा माफिया को हिला के रख दिए वहाँ, जो कहा जाए कि खानदानी गुंडा था, रईस गुंडा उसको कहते हैं, राजा भैया। हाँ, रईस गुंडा था वो, उसको खदे दिए। हाँ, उसको जो है औकात पता लगा दिए। जब पोटा कानून बनाया था केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, कोटा कानून में था कि बड़ा बड़ा अपराधी को सजा होगा, लेकिन कोटा कानून में जब तक हम लोग फंसते रहे, दलित पिछड़े ओबीसी के लोग जब तक फंसते रहे, तब तक कोटा कानून अच्छा था। और जब कोटा कानून में बड़का पोटा फंस गया राजा भैया, तो ये जो है केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार ने पोटा बनाया। और कांग्रेस जो केंद्र में थी उस समय सरकार, उसने पोटा को खत्म कर दिया। काहे वो पोटा राजा भैया को निकालने के चलते। इसलिए बहन जी के अलावा इस देश में अब कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हम लोग को। तो बहन जी पर आरोप लगाता है विपक्ष वाला कि बीजेपी के बी टीम है बहन जी। वो जो है आरोप जो लगा रहे थे ना, तो सबको निशा फट गया है, आरोप लग सबके निशा टूट गया, आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश में। वहाँ मीडिया जो है मनी मीडिया माफिया के लोग दिखा रहे थे कि भाजपा को सपा हराएगी, और सपा आउट हो गई, 125 सीट पर आउट हो गई वहाँ। बसपा एक सीट पर आउट। अरे भाई, बसपा एक सीट पर आउट ही है। बसपा का आप रेस न देखिए, जनाधार न देखिए, अब जो है आगे आप देखिए। और थोड़ा सा ईवीएम जरा सा हटा दे केंद्र सरकार, तब आओ देख लीजिए, ईवीएम से भी हमको थोड़ा सा धोखा हो रहा है। ना, ईवीएम से भी धोखा है। ईवीएम जरा हटा दे केंद्र सरकार, और बाद रेस देख लीजिए। ईवीएम हटा देगा तो बसपा की सरकार बन जाएगी। जब से ईवीएम आया है, जब से ईवीएम केंद्र आया है इस देश में, तब से बसपा का जो है रेस कमजोर हो रहा है। जब ईवीएम नहीं था तो इसका रेस बढ़ते जा रहा था हर जगह, लेकिन जब से ईवीएम आया है तब से हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए ईवीएम में तो मामला है। ईवीएम जिन देशों ने ईवीएम पैदा किया, वहाँ जो है बैलेट आ गया। भाई, आपको बैलेट में आने में क्या दिक्कत है? दुनिया जिसको रिजेक्ट कर दिया है, आई भारत के प्रधानमंत्री सेलेक्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आगे आप बढ़ रहे हैं? जिसको दुनिया रिजेक्ट कर दिया प्रयोग करके, तो यानी यहाँ जो है इस देश की अब जरूरत है बहन मायावती जी। इस देश को यानी बाबा साहब के संविधान को हूबहू लागू करने के लिए इस देश के
मैं बहन जी के प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। कैसे बनेंगे बहन जी? हाँ बनेंगे। अभी जो है बन रहा है। भारत में तीन शक्ति है, एक शक्ति बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा शक्ति बहन जी हैं। और बहन जी जो है हर हाल में अवर जो है 2024 में यानी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। मीडिया इनको दिखावे या न दिखावे, आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा हम 60 सीट प्लस जाएंगे। 60 सीट प्लस लोकसभा में अगर ईवीएम में धांधली नहीं किया तो हम 60 से प्लस जाएंगे वहाँ। और 60 से प्लस जाएंगे तो निश्चित रूप से यानी किंग मेकर प्रधानमंत्री में बहने जी रहेंगे और नहीं रहेंगे कोई दूसरा, कोई नहीं रहेंगे। बहन जी अब दलित के नेता नहीं ना रहे हैं? बहन जी तो कभी दलित के नहीं बात, बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं। दलित वोट उनको नहीं मिलता बहन जी? ऐसा बात नहीं है, दलित वोट नहीं, बहन जी तो जो काम करती हैं सर्व समाज के हित में करती हैं। चाहे अपराधी कोई हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या सवर्ण हो, यानी वो जो है ये नहीं देखते हैं कि दलित है या सवर्ण है। बहन जी तो अपना MP विधायक को भी अगर अपराधी है तो उसको जेल के सलाखों में डालने का काम करती हैं, भेदभाव नहीं करती हैं नीतीश कुमार जैसा और तेजस्वी जी जैसा। सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार में? ना ना, ये तो भाई ये तो कहा जाए कि मैंने पता चल गया यानी पोल खुल गया। कैसे पोल खुल गया? जी कृष्णैया साहब का हत्यारा को जो 1994 में यही आनंद मोहन द्वारा आपको गोपालगंज पटना से गोपालगंज जाने के क्रम में और यही आनंद मोहन के गुंडों द्वारा हत्या कर दिया गया था और उस गुंडे को निचली अदालत ने फांसी हो गया और ये जो है हाई कोर्ट में उसको उम्र कैद में बदल दिया और उस अपराधी को नीतीश कुमार ने बड़ी साजिश कानून में बदलाव करके और उसको बाहर निकाल दिया। तो ये महागठबंधन का असली चेहरा पूरा बिहार के लोग देख लिया है। अब जो है बात बनने वाला नहीं है, इनको जो है दलित वोट तो एक को मिलवे नहीं करेगा। एकदम क्लीन वोट हो जाएंगे। राजपूत वोट मिलेगा ना? अरे राजपूत के कितना संख्या है, राजपूत के संख्या कितना है भाई? अरे ये सब कितना है, नीमक आटा समझते हैं ना? अरे हम लोग आटा है, ये लोग नीमक है, क्या समझे? कुछ बनने वाला बात नहीं है, इसलिए हबराइए मत। तो नीमक के बगैर कोई खाना नहीं बनता है। आनंद मोहन जो है ना, आनंद मोहन को पुनः अंदर जाना होगा। आनंद मोहन को कैसे, जिस तरह से शहाबुद्दीन चल गए थे अंदर, तो फिर इनको जाना है, कोई रोकने उकने नहीं जा रहा है। बहन जी के ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी के बी टीम है। आरोप क्या है, आरोप तो नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि नीतीश बाबू कहते हैं हमें बैकआउट क्लास हैं, बीजेपी बोलता है हमें बैकआउट क्लास हैं, तेजपति बोलते हैं बैकआउट क्लास हैं, तो तीनों बैकआउट क्लास हैं, तो क्यों 10% काट के दिया गया आरक्षण? क्यों दिया गया? क्यों दिया गया उसको? उसमें भी गरीब था इसलिए दिया गया। गरीब कहाँ है, धन उसका है, बल उसका है कहाँ गरीब भाई? गरीब तो हम लोग हैं, अति पिछड़ा है, धोबी है, दुसाध है, चमार है, डोम है, होलखोर है, हम लोग तो पिछड़े जो एक कट्ठा जमीन नहीं है। तो क्यों ऐसे किया गया? कहते हैं कि हम बहुत एतू हैं, बैकवर्ड क्लास हैं तीनों, तो तीनों क्यों नहीं काम किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो हम लोग इसी के चलते इस पार्टी में हम जुड़े हुए हैं। हाँ मैं प्रखंड अध्यक्ष शिवसागर हूँ। अच्छा हाँ चलिए, तो बसपा जो है इस बार बिहार में खेला करने के लिए तैयार है और दलित वोट बैंक इस बार महागठबंधन को नहीं मिलेगी क्योंकि दलितों का सम्मान नहीं है बसपा में। बहरहाल चर्चा से बातचीत आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।